हेलो भाई, नमस्कार। मैं दुर्गेश, अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश टेक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में मैं आज बात करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे 16 का वर्गमूल 4 बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा है, फिर इसके बाद 25 का वर्गमूल 5 ये भी आसानी से निकल जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 ये भी आसानी से निकल जा रहा है। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, नॉन परफेक्ट मान लीजिए आ गया 7 रूट में 7, इसका आपको निकालना रहेगा स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, देखिए पहले इसमें देखेंगे 7 के कौन ऐसी पास वाली संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो 1 4 हो गया, 1 9 बिल्कुल पास वाली, देखना 7 के पास वाली। देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसमें 1 3 जोड़ेंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो पास वाली कौन है, 9 है, अर्थात इसी को लेंगे। तो यहां बराबर करके लिखेंगे 9 माइनस 2 रूट में हो जाएगा। देखिए यहां पर 7 ही है, यहां पर भी 7 ही है, मान में कोई भी अंतर नहीं है, हमने केवल इसके लिखने का तरीका चेंज कर दिया। क्या किया हमने, जो पास वाली देखेंगे कि कौन पास वाला है जो जिसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है, तो 9 है। अब इसको घटाकर ये लिख लिया। अब देखिए, अब यहां पर थोड़ी सी कंसेप्ट और बस केवल समझना है। इसका वर्गमूल हमें पता ही है, 9 का हो जाएगा 3, फिर माइनस रहेगा यहां पर, तो माइनस लिखेंगे, यहां पर 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, बटा में कर देंगे, बटा कर देंगे, और इसका 2 गुना कर देंगे, अर्थात 3 गुना के 6 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। बस हमारा समझ लीजिए कि अब इसका मान आ चुका है। अब एलसीएम लेकर के 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 16 बटा में 2 कितना आएगा, सॉरी 6 होगा ये, फिर 6 दुना 12, फिर 4 बचा 6 6 36, 2.6 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर करनी में 7 का, अगर करनी में 7 का 2.6 वर्गमूल निकाला रहेगा, 2.6 आएगा। अब आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हल्का फुल्का समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आराम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 10 आ जाएगा, 10 का वर्गमूल निकालना है, तो इसके इर्द गिर्द कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो वो है 9, 9 प्लस 1। देखिए मान में कोई भी अंतर नहीं पड़ा, हमने 10 को केवल 9 प्लस 1 कर दिया, 10 हो जाएगा। अब देखिए 9 का निकाला जा सकता है 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपान, अब इसके बाद ये वाली जो संख्या दी है 3, इसका 2 गुना 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 3 18 1 19, 19 बटा में 6 कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 3.1। जी हाँ दोस्तों, ये आ गया हमारा 3.1। अब देखिए, आशा करता हूं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक मैं और ले ले रहा हूं, जैसे अब इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी हटा दे रहा हूं। मान लीजिए मैं 13 ले लिया, 13 का निकालना है, तो देखेंगे इसके पास वाली कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो देखिए, या तो हम 9 ले या तो 16 ले। देखिए 9 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 13, और 16 और 13 कितना दूरी पे है, 3 पे, तो यही वाला हम लेंगे, जो पास में रहेगा उसी को लेंगे। तो यहां पर देखिए इक्वल टू 16 माइनस 3 ये हो जाएगा
देखिए मान में कोई भी अंतर नहीं पड़ा, 13 हो जाएगा, यहां पर भी 13 हो जाएगा। अब यहां से हम लिखेंगे 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आएगा, फिर माइनस यहां पर 3 है तो 3 ही लिखेंगे बटा में, इसका दोगुना, इसका दोगुना, यहां पर दोगुना हो जाएगा 8, फिर इसको घटाएंगे 8 × 32 = 29 बटा में 8। अब इसको कटाएंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 48, 3.6। 13 का जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 3.6 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप अगले क्वेश्चन को निकालेंगे, आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फोर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपको निकाल करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा मैं क्लास 10 की बुक को सीरियल वाइज से हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं। आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में से क्लास 10 की अगर कोई आपके संपर्क में तैयारी कर रहा होगा तो उसे बताएं और शेयर करें, जिससे उसका उन लोगों का बेनिफिट हो। धन्यवाद।